एसएससी इजी दोस्तों दोस्तों फिर से हाजिर है फिक्स्ड प्रीपोजिशन के साथ। इससे पहले हमने एक निकाला, ठीक है, उसमें हमने क्या किया था कि हमने फिक्स्ड प्रीपोजिशन विद बी अल्फाबेट से जो भी था हमने उसको क्लियर किया और आप लोग बहुत ही पसंद किए, बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए अब हम टी के साथ हैं, टी अल्फाबेट के साथ। ओके, वैसे ही याद करवाएंगे आपको, मैंने बोला है कि मैं आपको 400 एकदम चुटकी में याद करवाऊंगा, तो मैं आपको बोल रहा हूँ वो होगा, ठीक है, आपको बस ध्यान से पूरा वीडियो देखना है, हम चैलेंज देके बोले उसके बाद आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा लेट नहीं करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, पहले हम वर्ब लिखते हैं, क्योंकि पहले वर्ब आपको याद रखना है, सो पहले मैं वर्ब लिख रहा हूँ, ठीक है, वर्ब को याद रखना, तब आप ऑटोमेटिक लगा लीजिए क्या प्रीपोजिशन, क्योंकि आपको याद रहेगा, वो मेरा गारंटी आपको देगा, बट वर्ब भी भूल जाते हैं। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, टायर्ड, टॉक, ध्यान दीजिएगा, थिंक, ट्रेड एंड लास्ट वन इज ट्रेसपास, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये पहले पांच को हमने पकड़ रहे हैं, ये पांचों में दो दो प्रीपोजिशन लगता है, ठीक है, तो इसको हम देखेंगे कैसे पहले याद रखेंगे, भर को कैसे याद रखेंगे उसका ट्रिक देखते हैं। अब बोलते ना मैं थक चुका हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं थक चुका हूं बात करते करते, अब सोचता हूं, थिंक करता हूं कि कुछ ट्रेड किया जाए, मतलब बिजनेस किया जाए, लाइक दिस, ओके, लेकिन टेंशन क्या है कि अगर हम दूसरा स्टेट में करते हैं, सपोज एक ऐसे एग्जांपल है, दूसरा स्टेट में करते हैं तो हम ट्रेसपास कहलाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा, इन्वेडर कहलाएंगे, इन्वेड करेंगे, ऐसा फील होगा। ओके ध्यान दीजिएगा फिर से, मैं थक चुका हूं, आई एम टायर्ड, बात करते करते, टॉक करते करते, अब सोचता हूं, थिंक करता हूं कि ट्रेड करूं, ट्रेड करूं, लेकिन क्या है कि अगर दूसरा स्टेट में या दूसरा एरिया में जाके करते हैं तो क्या हम इन्वेड कर रहे हैं, ऐसा फील आता है, ठीक है, तो ट्रेसपास। अब हम लोग पर्टिकुलर एक एक का अलग अलग देखेंगे क्या क्या है, मेरे ख्याल से ये आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, तो सबसे पहले लेते हैं टायर्ड, टायर्ड का मैंने आपको बताया है दो होता है, याद रखना, पहला क्या होता है टायर्ड ऑफ, दूसरा होता है टायर्ड विथ, क्लियर है, आई थिंक इट इज क्लियर। देखिए टायर्ड ऑफ विथ कब करेंगे, जब आप कोई लेबर करेंगे, कोई हार्ड वर्क करेंगे जिसमें आपका फिजिकल एक्सरसाइज हो रहा है, फिजिकली आप थक रहे हैं जिसमें, क्योंकि फिजिकल याद रखिए कोई मेहनत करके थक रहे हैं, उस केस में आप लगाएंगे टायर्ड विद, क्लियर है। अदर देन लेबर हो, हार्ड वर्क हो, कोई भी चीज हो, इसके अलावा जहां भी होगा आप टायर्ड ऑफ लगाएंगे, बात क्लियर है, एकदम सिंपल सा तरीका है। टायर्ड विथ कब लगेगा, जब आप कर रहे सब चलते हैं तो आप टायर्ड होते हैं तो उसमें टायर्ड विथ लगेगा, आप कुछ सामान को उठाते हैं तो थकते हैं उसमें तो आप टायर्ड विथ लगाएंगे, बट आपका कोई दूसरा चीज से, किसी का बोली से आप टायर्ड हो गए, किसी सिचुएशन से आप टायर्ड हो गए तो उसमें आप क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे, आई थिंक इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ओके नेक्स्ट है हमारा टॉक, टॉक को यहाँ पे दो भाग में फिर से बांटा गया, हम आपको पहले बता दी ये पांचों का पांचों दो लेता है प्रीपोजिशन, ठीक है, पहला क्या है टॉक का, तो टॉक टू आप जानते हैं, टॉक टू समवन आप करते हैं, क्लियर, नेक्स्ट है आपका आप करते हैं टॉक ओवर, किसी मैटर पे, कोई मैटर पे अगर आप बात करते हैं, ठीक है, सिचुएशन कोई मैटर है उस पर आप डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, तो टॉक ओवर होता है, क्लियर है, टॉक ओवर, टॉक अबाउट मतलब होता है कोई चीज पे डिस्कस करना, एक टॉक अबाउट भी होता है, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, डिस्कस करना, ठीक है, तो डिस्कस का सेंस है यहाँ पे कोई मैटर पे आप बात कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर, ऐसे ऐसे रैंडम लेते ना, चलिए आप कोरोना पे बात करते हैं, टॉक अबाउट करते हैं, क्लियर है, तो आपको याद रखना टॉक के साथ दो लगता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम बोले थे कि टायर्ड हो गया है टॉक करते करते, अब थिंक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, थिंक भी क्या लेता है, सब दो लेता है, थिंक ऑब्वियस बात है ऑफ लेता है और थिंक ओवर, क्लियर। अब देखिए आप थिंक ऑफ कोई भी चीज का कर सकते हैं, एनीथिंग, ठीक है, किसी चीज के बारे में सोचना, हिंदी बोलते हैं किसी चीज के बारे में सोचना, आप थिंक ऑफ कर सकते हैं। थिंक ओवर क्या होता है, कोई मैटर पे, किसी एक बात पे आप थिंकिंग कर रहे हैं, कोई मैटर पे आप थिंकिंग कर रहे हैं, इन दैट केस आप थिंक ओवर करेंगे, और इसमें अदर देन कुछ भी पे आप थिंक कर रहे हैं, किसी के यादों में आप किसी के बारे में सोच रहे, कोई इंसान के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, कोई पर्टिकुलर एक सिचुएशन का सोच रहे हैं तो थिंक ऑफ होगा, क्लियर है। चलिए तो अभी तक क्या हो गया हमारा,
टायर्ड हो गए हैं टॉक कर करके, थिंक कर कर लिए, अब हम क्या करेंगे भाई, एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, दैट मीन्स ट्रेड शुरू करेंगे, ट्रेड करना। तो ट्रेड क्या क्या लेता है वो भी दो लेता है, ट्रेड इन, ट्रेड विथ। अब देखिए इसको ध्यान से समझिए क्या अंतर है, एक इसी से रिलेटेड है, आपको मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है। सुनिए, ट्रेड इन करते हैं कोई भी चीज, जैसे किसी भी चीज में, बिजनेस में, कॉमोडिटी में आप करते हैं, चलिए अभी बता रहा हूं, और ट्रेड विथ करते हैं आप किसी पर्सन के साथ, ठीक है, या कोई देश के साथ भी कर सकते, किसी के साथ भी कर सकते, कंट्री के साथ आपका ट्रेड हो रहा है, ठीक है, लाइक दिस, किसी के साथ। तो एग्जांपल के तौर पर आपको समझाते हैं, जैसे अगर आप सपोज आप गारमेंट का बिजनेस खोले हुए, तो आप ट्रेड इन गारमेंट कर रहे हैं, ट्रेड इन गारमेंट, या आप शुगर का कर रहे हैं, ठीक है, शुगर का बिजनेस करते हैं, ठीक है, एक तरह से बिजनेस ही है। तो ट्रेड इन क्या होगा, शुगर, क्लियर के लिए बोलिए, ठीक है। अगर आप सपोज जैसे बोलते हैं ना कि इंडिया, इंडिया ट्रेड विथ चाइना, तो इसमें आप देख रहे कोई कंट्री के साथ एक कंट्री ट्रेड कर रहा है, या आप कर रहे हैं, आप ट्रेड विथ कर रहे हैं टीवीएस, या आप ट्रेड विथ कर रहे हैं सुजुकी, कोई भी चीज का पार्ट आप उससे डील किए हुए, ठीक है। तो किसी कंपनी हो, किसी कंट्री हो, किसी पर्सन हो, उसके साथ आप कोई ट्रेड अगर किए हैं, ट्रेड बना रहे हैं, तो उसमें आप ट्रेड विथ लगाएंगे। बट ट्रेड इन पर्टिकुलर कोई एक कॉमोडिटी पे होता है, कोई चीज पे होता है, कोई भी तेल का बिजनेस करते हैं ट्रेड इन ऑयल, कोई भी एक सिंगल, समझ रहे हैं, होप आप क्लियर हो जाएगा। तो अभी तक हमने क्या कर लिया भैया, हम टायर्ड हो गए हैं टॉक कर करके, अब सोचते हैं मतलब थिंक करते हैं कि ट्रेड कर ले। अब उसमें प्रॉब्लम क्या होगा भाई, ट्रेड करने में प्रॉब्लम क्या रहा है, तो आप देखते होंगे ट्रेसपास हो रहा है, ठीक है। ट्रेसपास का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ट्रेसपास भी दो लेता है, मैं भी क्लियर कर रहा हूँ, ट्रेसपास ऑन, ट्रेसपास अगेंस्ट, ध्यान से समझिएगा क्या डिफरेंस है दोनों में। देखिए अगर आप किसी के जमीन पे या किसी के प्रॉपर्टी पे आप एकाएक इलीगली घुस जा रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रेसपास ऑन। तो ये किसका होता है, लैंड हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी हो सकता है, ठीक है, इसी को आप बोल सकते हैं इन्वेड करना। बोलते हैं पहले का लोग, पहले क्या करता था मुगल, क्या किया था, जितने मुस्लिम इन्वेडर थे, बहुत सारे इन्वेडर थे, वो इन्वेड किए थे, मतलब दूसरे के जमीन पे गए थे इलीगली, ठीक है, कब्जा करने के सेंस से, तो उसको बोलते हैं इन्वेड। तो इसका एक साइनो भी क्या हो गया, इन्वेड, क्लियर है, याद रहेगा आपको, चलिए तो ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं ट्रेसपास अगेंस्ट, ठीक है, ट्रेसपास अगेंस्ट आप किस समय यूज करेंगे, आपको क्लियर बताते हैं। जब आप कमिट करते हैं, सपोज आप कमिट किए कोई ऑफेंस, कमिट एन ऑफेंस, सपोज भाई ऑफेंस कैसे आप कमिट कीजिएगा, कैसे कीजिएगा भैया, तो अगेंस्ट आप हो सकता है, ये जो कमिट कर रहे हैं आप किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, कोई पर्सन के खिलाफ, या कोई लॉ के खिलाफ, या कोई एक सेट ऑफ रूल है, सेट ऑफ रूल्स है उसके खिलाफ, तो उस केस में ये ट्रेसपास अगेंस्ट होता है। जैसे हम लोग लॉ को तोड़ते हैं ना, सपोज देखिए हम लोग को अभी बोला गया था कि हेलमेट पहन के चलना है, कोरोना में निकलना नहीं, तो अगर हम लोग उसको नहीं मान रहे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेसपास अगेंस्ट कर रहे हैं, लॉ को अगेंस्ट कर रहे हैं ना भाई, मना किया निकलने के लिए, लेकिन फिर भी हम लोग कर रहे हैं, तो उस सेंस में लेंगे ट्रेसपास अगेंस्ट। बट किसी का प्रॉपर्टी, लैंड पे जबरदस्ती घुस जाना, इन्वेड कर देना, डैट इज कॉल्ड ट्रेसपास ऑन। तो इन्वेड ऑन होता है, क्यों, क्योंकि उसका साइन हो, क्लियर हो गया, होप इट इज क्लियर। तो अभी तक हमने क्या देखा था, फिर से एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं, टायर्ड हो गए हैं टॉक कर करके, है ना, थिंक कर रहे हैं कि आप ट्रेड करें, बिजनेस करें, बट ट्रेसपास हो जाएंगे अगर दूसरा स्टेट में जाएंगे, या दूसरा इलाका में जाएंगे, दूसरा मोहल्ला में जाएंगे, तो ऐसे सेंस से लेके चलिए फिलहाल, ठीक है। तो आपको सबका मीनिंग मैंने क्लियरली बता दिया, अब चलते हैं नेक्स्ट कहानी पे। तो नेक्स्ट हमारा कहानी क्या है, नेक्स्ट है, फिर से मैं वर्ब लिख रहा हूं, आपको ध्यान देना, ठीक है, टेम्पटेशन, मैं मीनिंग बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेम्पटेशन पहले लिख लेना, ठीक है। टेम्पटेशन, ट्रस्ट, ट्रीट, एंड द लास्ट वन इज ट्रेटर, क्लियर है, ये चार देख लिए। अब इसका पहले रूल करें कैसे याद करना है।
सुनिए, कोई भी अगर टेम्पटेशन में आ जाता है, मतलब प्रलोभन में, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रलोभन में आ जाता है, तो उस पर आप विश्वास कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। क्यों भाई? ऑब्वियस है, प्रलोभन में कभी कोई भी चीज का लालच के चलते हो सकता है कुछ भी गद्दारी कर दे ना। तो सुनिए, तो आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो आप उसको ट्रीट कैसे करते हैं? तो उसको आप एज अ ट्रेटर ट्रीट करते हैं, क्योंकि कभी भी भाई धोखा दे सकता है। तो पहले से ट्रीट करके रखते, दिमाग रखते कि धोखा दे सकता है भाई, धोखा दे सकता है, क्योंकि वो प्रलोभन में आ जाता है, लालच में आ जाता है ना। तो याद रखिएगा, अगर कोई टेम्पटेशन में आता है तो उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, और उसको ट्रीट किया जाता है एज अ ट्रेटर। क्लियर? सुनिए, तो टेम्पटेशन क्या लेता है इसमें? सिंगल सिंगल, इसलिए डायरेक्ट हो जाएगा। टेम्पटेशन क्या लेता है? इन। टेम्पटेशन इन। ट्रस्ट क्या लेता है भैया? तो ट्रस्ट भी इन लेता है। अगर आप टेम्पटेशन इन किसी में करते हैं तो ट्रस्ट इन आप नहीं कर पाएंगे। तो उसको आप ट्रीट ऑफ करेंगे। क्या करेंगे? ट्रीट ऑफ करेंगे। क्या करेंगे? ट्रेटर टू। क्लियर है? आपको हो याद होगी, पहले आपको भर भी याद रहेगा, तो आप भाई प्रीपोजिशन ऐसे याद होगा, आपको 400 भर याद कर लेना, उससे आपका एग्जाम में भी काम आता है। टेम्पटेशन आ चुका है एग्जाम में। देखिए टेम्पटेशन का क्या मीनिंग होता है, आपको हम ध्यान से एक चीज सिखाते हैं। देखिए यहाँ लिखे टेम्पटेशन, पहले मीनिंग समझिए क्या है टेम्पटेशन। सॉरी, टेम्पटेशन। ओके, टेम्पटेशन का मतलब क्या है? सुनो, टेम्पटेशन को दो तरीका से लिया जा सकता है। ये एक एडजेक्टिव है, मीनिंग भी बता रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, टेम्पटेशन को दो तरीका से, एक क्या होता है, एक डिजायर, ठीक है, सपोज डिजायर टू डू समथिंग, स्पेशली क्या है, स्पेशली क्या है, रॉन्ग होता है और अनवाइज होता है। मतलब डिजायर है कुछ करने का, लेकिन याद रखिए वो गलत डिजायर है, इसको हमेशा नेगेटिव में लिया जाता है टेम्पटेशन को। ओके, तो ये डिजायर कैसा है, गलत डिजायर है और अनवाइज डिजायर है। क्लियर है? एक इसका मीनिंग ये हुआ, ठीक है। एक मीनिंग इसका किस सेंस में आप ले सकते हैं, टेम्पटेशन टू के केस में? देखिए यहां पे आप इन लिखें, इसको आप क्या कर लीजिए, इन या टू भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, बट इन ज्यादा चलन में नहीं है। देखिए बहुत सारा चीज होता है, लोग लगाने के लिए बहुत कुछ लगा देते, तो इन इतना चलन में नहीं है, तो इसलिए आप टू पे ज्यादा फोकस करेंगे। क्या करेंगे? टू पे ज्यादा फोकस करेंगे, तो इन को हम यहां से काट देते हैं। टेम्पटेशन टू, कोई चीज के प्रति आप प्रलोभन में आ जाते हैं, ठीक है, तो उस केस में भी क्या करेंगे? देखिए इस केस में अगर आप यूज करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, डिजायर फॉर लिख सकते हैं, बट याद रखिए डिजायर एक पॉजिटिव वर्ड है, ये क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, बट टेम्पटेशन टू क्या है भैया, नेगेटिव है। बस यही अंतर आपको याद रखना है। आदमी का डिजायर भी होता है, टेम्पटेशन भी होता है। डिजायर अच्छा चीज के लिए होता है, टेम्पटेशन गलत चीज के लिए होता है। याद रहेगा? याद हो गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, तो इसको फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। तो टेम्पटेशन टू याद रखिएगा, ट्रस्ट इन याद रखिएगा। तो टेम्पटेशन अगर टू होता है तो आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, ट्रस्ट इन नहीं कर सकते, और वो उसको आप ट्रीट ऑफ करेंगे एज अ ट्रेटर टू। आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक, कहानी, फिर से छोटा सा कहानी। चलिए थ्रेटन, ध्यान से रखिएगा, थ्रेटन टॉलरेंट एंड द लास्ट वन इज ट्रिफल, ठीक है, ये तीन नहीं। अब इसको याद करने का तरीका आपको बताता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए जो भी थ्रेड देगा, सपोज आपके घर में लड़ाई चल रहा है, कोई आपको थ्रेड देता है, ठीक है, तो आपको टॉलरेट करना चाहिए। देखिए कोई भी बहुत जगह धमकी देता है लोग को, कितना लोग फेसबुक पे देता है, यहाँ देता है, वहाँ देता है, तो आप सबसे लड़ नहीं ना सकते। आपको क्या होना होगा? टॉलरेंट होना होगा, आपको बर्दाश्त करना होगा हर चीज को, ठीक है। बर्दाश्त करना हो, क्यों करना हो, क्यों, आपको ट्राइफल विद समझना है उसको, मतलब ट्राइफल समझना है। तो ट्राइफल का मतलब क्या होता है? कोई चीज स्मॉल अमाउंट का, एक मीनिंग है इसका ट्राइफल का नॉर्मल, और एक मीनिंग है नो इम्पोर्टेंस। दो मीनिंग इसका याद रखिए, क्योंकि देखिए आपको हम ये बता रहे हैं, वोकैब में भी हो सकता है पूछ दे, तो इसलिए आप पूछा है प्रीवियस ईयर में ट्रिपल। ओके, ट्रिपल तो याद रखना है। देखिए तो दो मीनिंग होता है, एक तो स्मॉल अमाउंट के तौर पे ले सकते हैं, और एक आप ले सकते हैं नो इम्पोर्टेंस के तौर पे, ठीक है, एज अ नाउन, जब ट्रिपल को एज अ नाउन आप लेंगे। क्लियर? अब देखिए तो आप उसको नहीं के बराबर ले लीजिएगा। अगर कोई आपको थ्रेट देता है, आपको टॉलरेंट रहना है, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको उसको नो इम्पोर्टेंस की तरह ट्रीट करना है, क्योंकि जिंदगी में बहुत लोग बहुत थ्रेट देता है, इसका मतलब थोड़ी ना आप सबसे झगड़ा करते चले जाएंगे, टेंशन लेके बैठ जाएंगे, नहीं लेंगे। अब देखिए क्या 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 कौन लेता है, थ्रेटन विथ लेता है, टॉलरेंट ऑफ लेता है, और ट्राइफल क्या लेता है, ये भी विथ लेता है। अब देखिए ध्यान से देखिए,
ट्रैफल विथ का यहाँ जो मीनिंग बताना चाहता है, जब आप ट्रैफल विथ का यूज कर रहे हैं इस केस में जो मीनिंग बताना चाहता है, इसका मीनिंग क्या बताना चाहता है, अगर आप लैक ऑफ रिस्पेक्ट शो करते हैं, लैक ऑफ रिस्पेक्ट किसी को, मतलब या आप सीरियसनेस नहीं, मतलब बोल सकते हैं इसको इन द सेंस कि आप सीरियस नहीं ले रहे इस चीज को, ठीक है, सीरियसनेस नहीं ले रहे, ठीक है, नॉट सीरियस, नॉट सीरियस है, आप क्लियर बोल सकते हैं। अगर आप सीरियस नहीं है या आप लैक ऑफ रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं, दैट मीन्स आप ट्रिफल विथ कर रहे हैं। तो अक्सर क्या होता है, एक इसका एक बोला जाता है, यूज किया जाता है वर्ड, जैसे यू शुड नॉट, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो यू शुड नॉट ट्रिफल विथ हर फीलिंग्स। अगर आपके पास गर्लफ्रेंड है तो ये बात बहुत सुनने में आपको मिला होगा कि आपको अपनी जो जो भी है, जिसका भी है गर्लफ्रेंड है, उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। खिलवाड़ इन द सेंस कि आप उसको मजाक ले रहे, सीरियस नहीं ले रहे, आप उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे उसका भावनाओं को, आप उसके साथ खिलवाड़ कर रहे, हाँ छोड़ो छोड़ो, तो आपको नहीं करना चाहिए। तो बाद में बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। क्लियर, तो होप क्लियर हो गया होगा। थ्रेटन बहुत लोग देता है, हमें टॉलरेंट करके रहना चाहिए, टॉलरेंट रहना चाहिए, और उसको ट्रिपल समझना चाहिए, नो इम्पोर्टेंस। बट अगर ट्रिपल विथ लगाते हैं, दैट मीन्स लैक ऑफ रिस्पेक्ट और नॉट सीरियस, नॉट सीरियस सबसे अच्छा आपको याद हो जाएगा, नॉट सीरियस, ठीक है। तो ये नीचे का वर्ड आपको याद रखना है, जिनका जिनका गर्लफ्रेंड है उनको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, चलो। तो हमारा नेक्स्ट क्या, ध्यान से सुनो, नेक्स्ट क्या हुआ कि भाई ये सब हो गया, अब एक नए जन्म का शुरुआत कर रहे हैं। थ्रू टर्न एंड टेम्परेट, क्लियर, थ्रू टर्न टेम्परेट। देखिए अब आप थ्रू हो गए, सच्चा हो गए, ठीक है, सॉरी थ्रू टर्न बोले थे ना, एक मिनट इसको हटा देता हूं, थ्रू टर्न, टर्न सॉरी, ठीक है। अगर आप ट्रू हो गए हैं, मतलब आप टर्न हो गए, चेंज हो गए भैया, चेंज हो गए हैं, तो अब आपको टेम्परेट रहना है, शांत रहना है। अभी टेम्परेट का भी बताएंगे, देखिए प्रीवियस ईयर में आ चुका, वो कर मैं अभी समझाएंगे आपको, ठीक है। तो आपको क्या रहना है, ट्रू टू रहना है, टर्न टू होगा तो ट्रू क्या लेता है, ट्रू टू, टर्न टू, और टेम्परेट क्या लेता है भैया, इन, क्लियर है। अब समझो, अगर आप ट्रू टू हो गए हैं, दैट मीन्स आप टर्न टू हो गए, अगर आप सच्चा हो गए तो आप बदल गए, अभी सच क्या, पहले बदमाश थे, अब बदल गए, तो अब आपको शांत रहना है, ठीक है, अभी आपको शांत रहना है, तभी जाके आप विक्ट्री या ट्रंप हो पाएंगे, जीत पाएंगे, क्योंकि चार वर्ड एक साथ हो गया। अगर आप ट्रू हो गए हैं, दैट मीन्स आप टर्न हो गए, सच्चा हो गया, सच्चा हो गया, दैट मीन्स आप टर्न हो गए, पहले बदमाश थे, तो आपको शांत रहना है, टेम्परेट, शांत रहना है, तभी जाके विक्ट्री और ट्रंप आ पाएंगे, तो ये क्या लेता, ओवर, क्लियर है। चलिए इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है कि विक्ट्री भी लिख दे, क्योंकि बी से आएगा विक्ट्री, विक्ट्री में भी ओवर लेता है, दोनों एक दूसरे का साइन हो, साइनों का आप जानते सेम होता है, ओके। अब टेम्परेट को थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है, टेम्परेट का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए, ओके आपने। देखिए टेम्परेट को अगर आप कभी भी सोचिएगा तो दो तरीके से आप सोचिएगा, क्या होगा, क्या तरीका से सोचना है, तो एक तो होता है मीनिंग माइल्ड, ठीक है, बोलते हैं शांत, माइल्ड या क्लेमेंट या प्लीजेंट, ये आ चुका है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आया था, टेम्परेट आया था, तो उसका साइनों में ये क्लेमेंट और माइल्ड नहीं दिया था, ये प्लीजेंट दिया होता, तो प्लीजेंट उसका करेक्ट आंसर, आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर का साइनों में है, ओके। सेकंड इसका मीनिंग क्या है, अपने आप को रोकना, रिस्ट्रेंट करना, कंट्रोल्ड करना, सबसे अच्छा एक और है मॉडरेट करना। देखिए तो ये जो सेंस आप जब लगाइएगा, तो ये आप टेम्परेट इन में लगाइएगा, किसमें लगाइएगा, टेम्परेट इन, जब टेम्परेट इन आएगा तो समझ जाएगा कि इसका सेंस इस सेंस में लेगा, रिस्ट्रेंट करना, कंट्रोल्ड करना, मॉडरेट करना। मतलब कोई स्मोकिंग करता है तो उसको लोग बोलता है भाई टेम्परेट इन करो, रिस्ट्रेंट करो अपने आप को, कंट्रोल करो, इतना मत पियो, तो इस सेंस में इसका यूज होगा, ठीक है। तो दो सेंस है, देखिए जब साइनो पूछता है ना, जब भी वोकैब का सेक्शन रहता है तो उसमें जब टेम्परेट देता है तो आपको ऑप्शन से डिसाइड करना हो कि विच वन को यूज करना है, ये वाला पार्ट को यूज करना है मीनिंग में या ये वाला पार्ट को, तो ऑप्शन से आपको क्लियर होगा। अब आप ऑप्शन में आप ये याद करके रिस्ट्रेंट दे दिया, कंट्रोल दे दिया, मॉडरेट दे दिया, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे भाई ये तो होता ही नहीं, तो आपको याद रखना दोनों मीनिंग होता है। तो मैंने देख चुका हूँ साइनों में, ये इससे पूछा था।
अब इसी से एक और वर्ड आ गया जो कि आया था, हमको याद आ गया तो मैं बता देता हूँ, इंक्लीमेंट। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका क्या है, एंटो। क्लीमेंट का मतलब शांत, ठीक है, माइल्ड, प्लीजेंट। तो इंक्लीमेंट का मतलब क्या होगा, खराब। तो आप अक्सर सुनते होंगे, आप जब भी आप वेदर का रिपोर्ट पढ़ते होंगे तो उसमें लिखता होगा इंक्लीमेंट वेदर, याद करिएगा, इंक्लीमेंट वेदर लिखता है। बिकॉज ऑफ इंक्लीमेंट वेदर आज कोई भी प्लेन नहीं गया या कोई भी एयरलाइंस बंद हो गया, बिकॉज ऑफ इंक्लीमेंट वेदर। तो मतलब खराब वेदर के चलते, तो याद किया खराब, तो इसका उल्टा क्या हो गया, क्लीमेंट। आई थिंक इट इज क्लियर। अब लास्ट का तीन बचा जिसको आपको ऐसे ही याद करना है, कैसे, देखिए, एक है आपका, मैं यहां से लिखता हूं, ठीक है, एक है आपका टेंटा माउंट, ये बहुत बार यूज हुआ है, ठीक है, टेंटा माउंट आपको याद रखना है, ठीक है। सेकेंड वन आपको याद रखना है क्या, टीम, ठीक है, दो हो गया, और एक लास्ट टेस्ट। चलो ये तीनों को अलग अलग देखेंगे, ठीक है, क्यों देखेंगे, टेस्ट के साथ आप जानते हैं टेस्ट फॉर होता है, ठीक है, टीम के साथ क्या होता है, विथ होता है, अभी मीनिंग बताऊंगा मैं टीम क्या है, क्लियर है। और टेंटा माउंट के साथ क्या होता है, टू होता है, क्लियर। देखिए टेंटा माउंट का मतलब क्या होता है, इक्वल, किसी के बराबर, हम बोलते हैं दिस इज इक्वल टू दिस, है ना, कोई चीज इसके बराबर है तो हम लोग इक्वल का यूज करते हैं, उसी जगह पर आप टेंटा माउंट भी कर सकते हैं, ये स्टैंडर्ड वर्ड है। तो इसी का अगर साइनो बोला जाए, साइनो क्या क्या हो सकता है, इक्वल, इक्विवेलेंट। तो ये दोनों जब साइनो तो क्या लेगा, टू ही लेगा, याद हो गया, और तीन आपके पास आ गया फिक्स प्रीपोजिशन, ठीक है। अब चलते टेस्ट फॉर हो गया, अब टीम विद को खाली एक्सप्लेन करके मैं खत्म करूंगा। टीम है, इसको आप जानते हैं टीम क्या है, टीम विद, बोलिए क्लियर है। देखिए टीम विद का मतलब क्या होता है, कोई चीज भरा होना, हिंदी बोलते हैं भरा हुआ है कोई चीज, लबालब है हिंदी में बोलते हैं ऐसे है, लबालब है मतलब क्या, पूरा भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है, तो भरा हुआ का सेंस बोलते हैं, बी फुल ऑफ, ओके। तो आप समझ गए हिंदी में, आप समझ गए टीम का मतलब क्या है। जैसे आप देखते हो जब भी बरसात का समय आता है तो क्या होता है, बहुत सारा मेनी डैम्स टीम्ड विथ वाटर, वो लबालब पानी से भर जाता है ना, पूरा भर जाता है, लबालब बोलिए ऐसे पूरा भर जाता है। तो क्या होता है, मेनी डैम्स का होता है टीम्ड विथ वाटर हो जाता है, तो आपको समझना है। तो टीम के साथ टीम विथ लगता है, क्लियर है, होप क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आएगा दोस्तों तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है, तो हम और इसको अच्छा करने। और देखिए एक एक्सरसाइज का सीरीज आपका चल रहा है तो वो आपका पैरेलल ही चलेगा, वो टेंशन नहीं लेना, वो मैंने एक एक्सरसाइज डाल दिया वैसा ही भी बहुत सारा एक्सरसाइज आएगा, टेंशन मत लीजिए, मैं पहले पढ़ा दूँ तब तो आपको एक्सरसाइज कराऊँ ना, ठीक है। चलिए तो अभी के लिए थैंक यू।